तो अब हम करते हैं माइक्रोवेव को साफ। एक बोल में हम पानी लेंगे, इसमें हम दो चम्मच या दो ढक्कन आप विनेगर डाल दीजिए। इसी के साथ घर में कोई भी ख़राब नींबू जो आपका सड़ रहा हो उसको आप यूज़ कर लीजिए। नींबू के आप छोटे छोटे से टुकड़े कर दीजिएगा। तो लेमन और विनेगर से जो स्टीम बनेगी उससे हमारा माइक्रोवेव बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो इसको अब हम माइक्रोवेव में 5 मिनट चला देते हैं। 5 मिनट बाद इसमें जो स्टीम बनेगी उससे जो भी गंदगी होगी वो बहुत आराम से मेल्ट होके साफ़ हो जाएगी। तो 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं एक सॉफ्ट सा कपड़ा ले रही हूँ, टी शर्ट वाला जो कपड़ा होता है ना, उससे माइक्रोवेव में साफ़ करती हूँ। तो बस अब हम ये बोल को निकालते हैं। तो ये देखिए किस तरह की स्टीम क्रिएट हुई है, बड़ी अच्छी सी स्मेल भी आ रही है। और ये जो विनेगर और लेमन की जो स्टीम क्रिएट होती है इससे जो भी गंदगी होती है माइक्रोवेव में वो बहुत आराम से मेल्ट हो जाती है, जिससे माइक्रोवेव साफ़ करने में हमें आसानी होती है। तो इस प्रोसेस को आप 10 से 15 दिन में एक बार ज़रूर करें, इससे आपका माइक्रोवेव हमेशा हाइजीन और साफ़ रहेगा।